आज मैं आप लोगों से अपने बचपन की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तब वैलेंटाइंस डे क्या होता है ये समझ में नहीं आता था। जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा जो भी स्कूल में होंगे। तो हमारे एक क्लास टीचर थे, घर में तो कोई मनाता नहीं था तो किसी से पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। हमारे क्लास टीचर मॉरल साइंस की क्लास ले रहे थे और उसमें हमने उनसे पूछा कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है और किसको वैलेंटाइंस डे विश किया जा सकता है। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई जो मेरे साथ रहेगी और मैं मेरे ख्याल से क्लास में भी सबके साथ रहेगी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि प्यार का मतलब बहुत ही संकुचित नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। जिस किसी को भी हम प्यार करते हैं, जो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं। तो वो उसके बाद फिर मैं अपने घर गई, दूसरे दिन घर में सबको वैलेंटाइंस डे विश किया, स्कूल में भी टीचर्स को वैलेंटाइंस डे विश किया, फ्रेंड्स को वैलेंटाइंस डे विश किया। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ कहाँ से आ रही है, अच्छी चीज़ जहाँ से भी आए उसे अपनाना चाहिए। और हमारे समाज में मैंने बचपन से भी देखा है कि हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उसका इजहार करने में, उसका सेलिब्रेशन करने में हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। मुझे लगता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर साल में एक दिन मिला है जिस दिन की सेलिब्रेट किया जा सकता है तो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दुनिया को दी हैं और दुनिया ने भारत से सीखी हैं, भारत से अपनाई हैं। हमने भी बाहर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपनाई हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हमारे देश में नहीं हुआ था बट उससे हमारी ज़िंदगी आसान हुई है, इसलिए हमने उसे अपनाई है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो भी लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अच्छे मन से, साफ नीयत से कहें और इस दिन को सेलिब्रेट करें। अपने घर में सेलिब्रेट करें, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये एक अच्छा मौका है। बहुत ही आश्चर्य की बात है लेकिन नफरत करना हम बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। और हमारे देश ने, जिसने कि पूरी दुनिया को, जब पूरी दुनिया में लोग लड़ा करते थे तब भारत ने लोगों को प्यार का संदेश दिया था, नॉन वायलेंस का संदेश दिया था। तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाने के लिए। और इसीलिए मैं आज के दिन आप सबों को कहूँगी, पॉलिसी मेकर्स को भी कहूँगी कि बहुत से गंभीर मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएँ करिए। और जो लोग एक दूसरे को, उनके अंदर जो अच्छी भावना है उसका इजहार करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। और इसी के साथ, क्योंकि बिहारवासी, बिहार की सभी आप लोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे।